आदरणीय प्रचार श्री देवांगन सर, डियर अर्चना मैम, ओम सर, मंजीत सर, योगेश सर और अच्छे निरीक्षक श्री विमलेश देवांगन सर, उपस्थित सभी छात्र एवं छात्राओं, बच्चों, आज बलरामपुर के पुलिस अमर शहीद दिवस परेड जो 21 अक्टूबर को आयोजन किया जाता है, उसके उपलक्ष्य में लक्षित निरीक्षक श्री विमलेश देवांगन सर एवं बलरामपुर पुलिस द्वारा एक प्रतियोगिता का आयोजन किया गया था, जिसमें आप लोगों को पुलिस में समाज की भूमिका के संबंध में अपना अपना विचार प्रकट करने का मौका दिया है। उसी परिप्रेक्ष्य में आदरणीय सर ने मुझे भी आग्रह किया था कि इस अवसर पर मैं भी आप लोगों के समक्ष उपस्थित होकर पास्को एक्ट एवं साइबर क्राइम के बारे में जो जानकारी मुझे मेरे पास उपलब्ध है वो आपको उपलब्ध करा सकूँ। मैं तो जो मेरे पास है मैं आप लोग को उपलब्ध करा रहा हूँ। जोर से बोलिए जय हिंद। ठीक बेटा, अच्छा आवाज आया। यहाँ तो कई ऐसे छात्राएं भी हैं जैसे अल्फा और सबाना, इन लोगों को मैं पहले से जानता हूँ, ये हमारी फोर्स अकेडमी की मेंबर्स हैं। ये अच्छा लगा कि आप लोगों के बीच में आने का, मेरा पहला बार अनुभव है, यहाँ पहली बार आ रहा हूँ मैं। हाँ, पास्को एक्ट के बारे में जानने से सबसे पहले ये आप लोग जान लीजिए कि हमारे समाज में बालिकाओं और महिलाओं के संबंध में क्या क्या अपराध होते हैं। आप लोग खुद अपने आप से महसूस करिए, आप जैसे स्कूल या कॉलेज आ रही हो, आपको कभी रास्ते में महसूस होता होगा कोई आपको छेड़ने की कोशिश कर रहा है, कभी ऐसा होता होगा या हो सकता है या ना हो, ये भी एक अपराध है। दूसरा, आप लोग कभी आते होंगे कि स्कूल कॉलेज या कभी समय आपको ऐसा लगता होगा कोई आपका पीछा कर रहा है, होता है ऐसा। आप लोग कभी किसी जगह में कपड़ा खरीदने गए हैं, ठीक है, कपड़ा खरीदने गए हैं आप लोग, आपको चेंज रूम दिखाया जाता है लड़कियों को, हो सकता है उसमें सीसी कैमरा लगा हो, ये भी आपकी क्राइम है, दुष्कर्मिता, ठीक है। आप आ रही हो, कोई ऐसा आपको शब्द बोलता है जो आपको बहुत अभद्र लगे, आपका अनादर हो उसमें, ये हमारे महिलाओं संबंधित अपराध हैं जितने भी हैं, ठीक है। अब इसी अपराध के अंतर्गत अगर ये अपराध किसी पीड़िता जिसकी उम्र 18 साल से कम हो उसके ऊपर किया जाता है, सभी पास्को एक्ट में आ जाता है। पास्को एक्ट हमारे देश में लागू कब हुआ था, जब दिल्ली में आप लोग सुने होंगे या कभी जानकारी भी होगी, निर्भया कांड हुआ था। निर्भया कांड एक ऐसा कांड था जिसने हमारे पूरे देश को झकझोर कर रख दिया। उसमें एक नाबालिग बालिका को चलती बस में उसके साथ गैंग रेप कर उसका मर्डर कर दिए थे। जो घटना इतनी शर्मनाक थी कि उसका जगह जगह जो है विरोध किया गया, पूरे हिंदुस्तान में विरोध हुआ, और उस विरोध के फलस्वरूप 14 नवंबर सन 2012 को प्रोटेक्शन ऑफ द चाइल्ड सेक्सुअल ऑफेंस, लैंगिक अपराध से बालकों का संरक्षण अधिनियम का लागू किया गया था। ये एक प्रकार का समझ लीजिए सपोर्ट धारा है। हमारे समाज में बालिकाओं और महिलाओं या बच्चों से संबंधित अगर कोई भी उनके प्रति कोई अपराध किया जाए तो उसे बहुत घृणित मानते हैं, और घृणित मानने के साथ साथ हमारे अंदर या ये भावनाएं रहती है कि उनको कड़ा सजा मिले। और जो भारतीय संविधान की जो आईपीसी की एक्ट थी उसमें और कड़ापन लाने के लिए पास्को एक्ट को लागू किया गया था। तो पास्को एक्ट के अंतर्गत जो भी धाराएं हैं, धाराओं को आप लोगों को जानने से मतलब नहीं है कि किस धारा में क्या क्या है, धाराओं से जानने से बेहतर यह है कि उसके अंतर्गत क्या क्या अपराध हो सकते हैं जिसके बारे में आप बता सकें। अमूमन ऐसे अपराध होते हैं जो आप अपने पेरेंट के सामने बच्चियां बोल नहीं पाते, अधिकतर होता है ना, स्कूलों में या कहीं भी हो, आप आ जा रही हैं, कुछ भी आपके साथ ऐसा हो रहा है, आप लोग बता नहीं पाते, उसको उजागर करने के लिए सबसे पहले हमें अपने समाज के अपने बच्चों को, आपसे जो छोटे हैं, आप जो सीनियर हैं, या खुद को भी इतना एक्टिव होना चाहिए कि हमारे साथ जो घटनाएं हो रही है उसको हम अपने पेरेंट को बता सकें। अमूमन महिलाओं के साथ ये घटनाएं ज्यादा होती है, यानी आए दिन आप लोग पढ़ते होंगे किसी नाबालिग बच्ची के साथ रेप हो गया है, ये सब घटनाएं भी हैं। तो इन मामलों में जो इस प्रकार के अपराध करते हैं उनको कड़ी से कड़ी सजा देने के लिए पास्को एक्ट लागू किया गया था। तो पास्को एक्ट में पूरे धाराएं, टोटल 46 धाराएं हैं, मेन उसमें जो जो धाराएं होती हैं उनके बारे में आप लोगों को हल्का सा बता देता हूँ। किसी भी 18 साल से कम उम्र के बालिका के साथ अगर कोई प्रवेशन लैंगिक अपराध करता है
या गुरुत्व प्रदर्शन लैंगिक अपराध करता है उसके लिए भी अलग अलग दंड है। आपके ऊपर कोई लैंगिक हमला करता है तो भी उसके लिए अलग दंड है। ठीक, लैंगिक उत्पीड़न करता है उसके लिए अलग दंड है। एक कॉमन शब्द सुनिए, आपका किसी से झगड़ा हो गया हो, उसने आपको एक झपड़ मार दिया और गाली दे दी, वो एक सामान्य अपराध बन गया, महसूस करिए। लेकिन अगर उसी व्यक्ति ने आपके साथ किसी चीज के लिए आमंत्रित किया हो और आपने उसे इनकार कर दिया हो, उसी बात को लेकर आपको मारता हो, तो वो लैंगिक अपराध हो गया। ये क्लियर हो गया आपको? जहां कोई अपराध आपके आन मान शान से हो, आपकी लज्जा से हो, वो लैंगिक अपराध के अंतर्गत आता है। ये क्लियर हो गया जो मैं बताया उसमें? तो ये जितने भी बनाए गए हैं पासपोर्ट जो बनाए गए सिर्फ लैंगिक अपराध के लिए है और किसी अपराध के लिए नहीं है। और पासपोर्ट के अंतर्गत या किसी भी बालिकाओं के साथ अगर इस प्रकार की घटना होती है तो उसमें कानून और न्यायपालिका का भी जो है पूरा संरक्षण रहता है। आपका नाम छुपाया जाएगा, आपका कोई मीडिया वाला आपका तस्वीर नहीं ले सकता, आपकी जो भी संसूचनाएँ या जो भी आपका न्यायपालिका के अंतर्गत जो न्यायिक प्रक्रियाओं से गुजरना होगा बंद कमरे के अंदर आपका संचालन होगा। ये सब चीज़ की भी आपको जानकारी, आपकी तरफ से एक विशेष वकील लीडर बोलते हैं ना, विशेष लोक अभियोजक, ये उपलब्ध कराया जाएगा। ये है हमारे जो है पासपोर्ट के अंतर्गत है। और मैं तो यही कहूँगा आप सभी लोगों को कि कानून तो है और कानून के अंतर्गत कोई अपराध करता है तो उसे सजा मिलना चाहिए, ये अच्छी बात है। लेकिन अगर कोई हमारे साथ कुछ कर रहा है, हम बार बार उसको सह रहे हैं, तो अगर कोई अपराध करने वाला भी अपराधी है तो जुर्म को सहने वाला भी अपराधी है। आप उसको उकसा रहे हैं, उसको बढ़ावा दे रहे हो, तो कभी आपके जीवन में कुछ ऐसी घटनाएं आती हैं तो सामने वाले को कभी मौका मत दीजिए। आप इस बात की सूचना अपने पेरेंट्स को दीजिए, अपने टीचर्स को दीजिए, जरूर दीजिए। इससे क्या होता है कि एक अपराध जो आने वाले सत्र में हो सकता है उस पर नियंत्रण पाया जा सकता है। अगर आप इसको इस चीज से बचना है तो आपको स्वयं जागृत होना पड़ेगा, खुद रोकना पड़ेगा। अगर कोई आपको छेड़ता है और आप चुपचाप सिर झुका चले आओगे, दूसरे दिन फिर उसका हौसला बढ़ जाएगा, दूसरा ही छोड़ा। और अगर पहले दिन उतार के कांध घुड़की अच्छा से दो, दूसरा दिन आना बंद कर देगा। सही है कि नहीं भाई? आप जा रहे हो, कहीं भी जा रहे हो, ट्यूशन जा रहे हो, कॉलेज जा रहे हो और भी कोई भी काम के लिए जा रहे हो, तो हर वक्त आपके परिवार सदस्य तो आपके साथ जाएगा नहीं। आपको स्वयं अपना